नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डेली फूडी बॉय स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सच। दोस्तों आज मेरे लिए एक काफी खास दिन है। खास दिन इसलिए है, हमने 2.5 साल पहले दिल्ली में आयनगर एरिया में एक वीडियो बनाई थी, जो कि एक 65 ईयर ओल्ड अंकल थे, जो कि स्कूटर पे अपने दही बल्ले पापड़ी बेच के अपना गुजर बसर कर रहे थे। और आज खास इसलिए है कि उन्होंने स्कूटर से अपना सफर स्टार्ट करके आज एक अपनी शॉप आयनगर में ही ले लिए। दोस्तों मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, जहां पर मैं खड़ा हूँ एक पीछे से रोड आ रहा है जो बांध पार बोलते हैं, और उसके आगे एक सब्जी मंडी लगती है, बड़ी फेमस सब्जी मंडी है जो आयनगर में है, और ललित गार्डन है। ललित गार्डन से हम सीधे आते हैं, सीधे आके ए ब्लॉक की तरफ रास्ता जा रहा है, और उसके सीधे हाथ में ये अंकल की शॉप है, का नाम है सरदार जी के दही बल्ले पापड़ी। तो ज्यादा जानकारी के लिए उन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार सर जी, नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमें साबित समझा जी। बहुत परेशानी हुई सर जी रोडों पे लगाने में, कहीं भी लगाओ लोगों को परेशानी होती है। तो अभी ये दुकान खरीदी नहीं है सर जी, ये रेंट पे ली है मैंने। अच्छा, रेंट पे लिया जी। सर जी रेंट पे लिया और आज इसकी ओपनिंग कर रहा हूँ सर जी। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि काम सही चले, और जितना अच्छा माल होगा वही बनाएंगे हम, गलत माल लाएंगे नहीं और ना ग्राहक को देंगे। सब कस्टमर कहते हैं कि आप अंकल पैसे दो पैसे ज्यादा लेना, लेकिन माल बढ़िया बनाओ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो रेट है वो कुछ भी नहीं है सर जी, ऐसे बोलते हैं मुझे लोग। मिली मुझे, मैं आया नगर बांध पर ही लगाता था, तो पास में से कोई लोग आए तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी का फोन आया है मुनीरका से, तो वो कहने लगे आपके वहां पे अंकल लगाते हैं। वो कह रहे मैंने तो देखा नहीं है, तो कहने लगे अंकल बाहर लगाते हैं आप जाकर देखो। और उन्होंने देखा तो कहने लगे मेरी बेटी ने फोन किया कि दो प्लेट दही भल्ले लेकर आओ, अंकल के भल्ले बहुत टेस्टी है, मैंने औरों से भी सुना है सर जी। अच्छा जी सर जी। तो अंकल जी उससे पहले बीच में क्या कर रहे थे आप, जब वहां पर लगाने वहां से हटी दुकान? हाँ जी। उसके बाद आपने कहां लगानी शुरू करी? मैंने फिर ये अपना गवर्नमेंट स्कूल है आया नगर में बड़े वाला, वहां लगाई। फिर कुछ दिन छोटे स्कूल पे लगाई, अर्जुनगढ़ मेट्रो पे लगाई। पहले मैं लेफ्ट साइड पे लगाता था, फिर मैंने कुछ दिन राइट साइड पे लगाई। मैंने सीएनजी छतरपुर पेट्रोल पंप पे भी लगाई सर जी। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो मैंने सोचा एक दुकान ले लेते हैं, लोगों को परेशान हो रहे हैं कि कोई आप सर जी कोई पक्की जगह बनाओ आप, तो जिससे कि हमें परेशानी ना हो। लोग सारे पूछते हैं और मेरी दुकान वहां होती नहीं है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि एक ही जगह पर लगाऊं और काम सही चले। नगर के लोग बहुत अच्छे हैं सर जी, बहुत प्यार मिला है मुझे, इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। नहीं तो मेरा मन भी नहीं लग रहा था कि ये कैसे होगा काम, कैसे नहीं है, सब कुछ इन लोगों ने ही मुझे सिखाया अंकल ऐसे करो ऐसे। तो हमें तो सर कुछ आता भी नहीं है, लेकिन अपने आप ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और ये जो रूप दिया है ना हमें, इसके कारण हम अच्छा माल बनाए, इनकी इंसल्ट ना हो जाए कहीं बार। जी सर जी, ये सर जी दुकान है, ये हमारे महेश जी हैं सर जी, जब से हम आया नगर में आए हैं इन्हीं के साथ हमारा कॉन्टेक्ट रहा है, और इन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी। हम पैसे थे या किसी से ना कर सके, जहां जाना है अपने साथ लेकर जाते हैं, पूरे आया नगर का हर बच्चा हर गली इन लोगों को जानता है, और ये खुद ही इतने अच्छे हैं सर जी, ये मुझे कहते हैं आप अच्छे हो, इनकी वजह से आज आया नगर में हमारा मन लग गया सर जी। जी सर, ये हमारे कैसे आर्टिस्ट है और इतने कदर कलाकार है, और इस उम्र में अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी तो युवा वर्ग के लिए भी प्रेरणा है, और जो घर में बैठे हुए बुजुर्ग हैं जो अपने आपको ये मान बैठते हैं कि 40 साल 50 साल के बाद में हम बेरोजगार हैं, हम परिवार के ऊपर बोझ बन जाएंगे या हम कुछ कमा खा नहीं सकते, वो ये आज की डेट में उनके लिए प्रेरणा है, उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं कि आज भी इस उम्र में कुछ भी बहुत ज्यादा पैसे ना लगाकर, थोड़े से पैसे लगाकर भी आजीविका कमाई जा सकती है,
और अपने परिवार को सपोर्ट किया जा सकता है। और इन्होंने जब इनका ध्यान बना, पहले ये कई जगह 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 लगा रहे थे, कई जगह हटना पड़ा, कई जगह लगाना पड़ा, कई जगह दिक्कतें आई, कोई ना कोई ना कोई कुछ कह के हटा देता था या कोई दिक्कत आती थी तो लोग जगह बदल दिया करते थे। तो जब ग्राहकों ने कहा भाई साहब कोई ऐसी स्थान नहीं हो जाएगा जहां ये परमानेंट दही बल्ले मिल जाए, तो हमें भी खाने के लिए कई बार जब इतना अच्छा जायकेदार बनाते हैं तो हम भी कभी मार्केट जाएंगे, कभी मार्केट से आए तो एक आध दही बल्ला जब भी हम भी खाने का प्रयास करते हैं, और जहां भी कहीं आयनगर में मिल जाए तो ढूंढ के खा लेते हैं। लेकिन जब इन्होंने ध्यान बनाया कि भाई ऐसी कोई जगह बने, तो हम जो है सतीश जी लंबरदार है जिनकी मार्केट है, ये शिव मंदिर बांध रोड आयनगर के ऊपर है, तो सतीश जी लंबरदार इतने अच्छे व्यक्ति है, जब हम इनको उनके पास लेकर गए कि भाई साहब ये हमारे जो मित्र हैं और ये ऐसा काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, अगर ये इस उम्र में कोई प्रयास करना चाह रहे हैं दुकान का 2 महीने आपको किराया नहीं देना, आप सिर्फ अपनी तैयारी करो और काम करो, ताकि इस उम्र में अगर आपको योगदान दे रहे हैं, अगर कोई काम करने के अच्छा है तो आप अपने मन में दबा कर नहीं चले जाना। कई बार इस उम्र में आदमी सोचता है कि मैं जो है ना मेरे मन में कुछ करने की है, अगर कोई थोड़ा सा मुझे साथ देता या मेरा कोई जीवन में कोई सहयोग करता तो मैं कुछ कर पाता। तो वो सतीश जी लंबरदास जी ने प्लान किया कि चलो इनको जो है 2 महीने सेवा में दो और कोई किराया भाड़ा नहीं लेना है, जबकि किराया है दुकान का। अच्छा। हर जितनी भी मार्केट में दुकानदार है सब किराया देते हैं, और पहली तारीख से ही एडवांस देना भी शुरू पड़ता है कि भाई 1 महीने का एडवांस दे या कुछ दे, इस तरह से सिस्टम है। लेकिन उन्होंने कहा 1 रुपया भी नहीं लेना है, और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना कि मैं उस सेवा को भी करके आपका मतलब कुछ किया जाए। तो ये हमारे मित्र हैं, इतने अच्छे दही बल्ले बनाते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा टेस्ट है, और जो भी आदमी एक बार खाता तो घर जाके मतलब जब तक खाता है और घर जाके जब पहुंचता तो वो 2-4 दही बल्ले पैक करा के घर ले जाने की प्रयास करता है, ताकि अपने घर फैमिली वालों को दे पाए। कई ऑफिस से फोन आते हैं वहां लेके जाए, या कई लोग जो है DLF से तक के भी लोग आते हैं, दिल्ली है, हरियाणा है, और भी आसपास के जो 10-20 किलोमीटर तक के एरिया के जो लोग हैं, जब इनका खाना देखना पसंद करते हैं और बनाने की प्रक्रिया स्वच्छ मन और स्वच्छ दही बल्ले बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस उम्र में ऐसा काम कर लेना। और इसके लिए इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दुकान खोलने के लिए, इन्होंने आयनगर में आकर हमारे दुकान खोली, और हम इनके जो तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि ये तो अच्छा जो है माहौल दिया इन्होंने। और हमको बहुत मानते हैं आप लोग, तो बहुत सेवा करते हो लोगों की, प्लीज आप खोलिए, मैं बैठा हूँ, आप मुझे किराया मत देना 2 महीने, लेकिन आप करिए। सिख लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सेवा करते हैं, बस इतना कहा तो सर जी मेरी आंखों में हंसू आ गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और किसी के प्रति जो है ना इतनी श्रद्धा रखना। उन्होंने कहा मैं बहुत साल पहले भी ऐसी सेवाएं कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनका प्रेरणा बनाई और आप इनका योगदान दे रहे हो, और ये वीडियो के माध्यम से जन जागरण तक ये जागृति फैलाओगे, लोगों को मैसेज दोगे कि एक तो होता है योगदान, किसी की मदद करना पैसे देके। एक आदमी कहता कि मैं 150 रुपये दे दूं, 1000 रुपये दे दूं, डोनेशन दे दूं, मदद कर दूं, लेकिन एक दही बल्ले खाकर ये भी एक प्रक्रिया है सेवा करने की। अगर हम एक ही दही बल्ला भी अगर पैक करा के खाते हैं और अपना जो है इनके योगदान देते हैं, तो ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और इनके जीवन में मील का पत्थर बनेगा, और लोगों को दिखाई देगा कि भाई हमने सिर्फ 30 रुपये 60 रुपये की बात नहीं है, एक योगदान देने की बात है कि ये जब जिस दिन अच्छा सेटल्ड हो जाएंगे तो परमात्मा उन लोगों को भी दुआएं देगा कि उन लोगों का भी योगदान होगा, बहुत बड़ा होगा, और परमात्मा उनको सबको जो है खुश रखे। थोड़ा दुकान दिखाई कैसी आपकी? जी सर जी, आइए सर। सर जी ये देखिए, ये पेंटिंग बनाता था। अच्छा, पेंटिंग ये आप ही बनाते हैं? सर 80 से यही बना रहा था सर जी। अच्छा, अच्छा, ये 5-6 साल से दही बल्ले का काम कर रहा हूँ, जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से मन में आइडिया आया कि खाली बैठ कर क्या करना है, तो इसमें मैंने इंटरेस्ट लिया तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला सर जी। जी सर जी, काफी अच्छी पेंटिंग बना रही है। जी सर जी, ये ऑयल पेंटिंग है। दही बल्ले तो काफी स्वादिष्ट है अंदर जी के, उसके साथ टैलेंट इतना अच्छा है कि पेंटिंग वगैरह का भी काम करते हैं। हमारे शिव जी की पेंटिंग बना रखी है जी, महाराज चरण सिंह जी। महाराज चरण सिंह जी, ये देखो कितनी अच्छी पेंटिंग बना रखी है। चरण सिंह जी है, देखिए दोस्तों, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है। कितनी बेहतरीन पेंटिंग, क्या क्या आपके पास है? अभी जाहिर कराया हम पहले की जितना ही है, दही बल्ले हैं और पापड़ी है सर जी, और ये सब चटनी हम सब कुछ घर पे बनाते हैं सर जी। लोग पूछते हैं अंकल सॉस लाते हो? नहीं आप, मैंने कहा जी हम तो घर पे बनाते हैं, आप टेस्ट कीजिए। देखिए दोस्तों,
पहले तो देखिए काउंटर कितना सफाई एकदम नीट एंड क्लीन और सारी चीजें कितने अच्छी तरीके से लगा रखी है। तो लाल के दही बल्ले हैं सर जी, ये देखिए जी सर, ये देखिए ये उड़द लाल के दही बल्ले हैं, उड़द लाल के दही बल्ले जी सर जी जी, काफी बड़ा बल्ला है जी सर जी जी। ये देखिए दोस्तों क्वांटिटी में अंतर है, पहले भी दो साल पहले भी इतना ही बड़ा था और आज भी है जी, जितने बड़ा बल्ला है सर्व कर रहे हैं लोगों को खिला रहे हैं। और दूसरे में देखिए ये दही है सर जी, क्रीमी दही होती है ये हमारी, इसको देखिए ओके, ये मीठी दही होती है दही भल्ले के लिए। तो ये अंदर घर में भी जमाते हैं कैसे? घर पे भी जमा लेते हैं सर जी, बाजार से भी ले आते हैं। तो जी सर जी, जो अच्छी चीज है अच्छी कंपनी वाला ही माल लाते हैं सर जी, आपकी गाड़ी है। लेकिन आप कहो कि दही वही वाली जो बनी बनाई होती है वो नहीं चलती, उसको हम ग्राइंड करते हैं घर पर आके, इसमें भी 2 घंटे लगाकर बनाते हैं फिर जाके इसमें आते हैं। ये सर ये हमारी खजूर की चटनी, इमली की चटनी है, गुड़ भी है, इसमें चीनी भी है, घर पे बनाते हैं, जीरा भी है इसमें जी सर जी जी। ये हमारी पुदीना धनिया, ये पुदीना है, धनिया है, हरी मिर्च है, और क्या कहते हैं इसमें काला नमक है, ये सब घर पे ही बनाया जाता है सर जी। पापड़ी है हमारी मैदे की है, इसमें अजवाइन डाली होती है सर जी हमने जी सर जी। देखिए ये देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन पापड़ी जो कि घर में बना रहे हैं जी सर, और कोई भी चीज बाहर से नहीं इन्होंने परचेज की, खुद ही घर पे बनाते हैं और फ्रेशली बनाते हैं, कस्टमर को सर्व करते हैं। ये मसाला भी देखिए सर जी हम घर पे ही बनाते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें जीरा है, धनिया है, काली मिर्च है, ये सब हम अपना घर पे ही बनाते हैं, पहले उनको भून के, लाल मिर्च साबुत वाली भी है, काला नमक भी है, उनको भूनने के बाद फिर उसको पीसते हैं, उसके बाद छान कर फिर हम यहाँ तक आते हैं। पैकिंग के डोने हैं सर जी, देखिए दोस्तों पैकिंग का भी काफी अच्छा अरेंजमेंट है, ये 60 रुपए का है। आप दो पैकिंग के कंटेनर रखे तो उसमें बताइए क्या क्या रेट क्या है? ये 2 का पैकिंग का है, ये 60 रुपए का सर जी। अच्छा, ये 2 का पैकिंग का है, ये 60 रुपए का, ये 30 रुपए का सर जी, सिंगल का है, ये 30 रुपए का है। अगर कोई 3 वाला मांगता है तो ये 3 वाला रखा है, ये 90 रुपए का सर जी। घर बनाते कौन आपकी हेल्प करता है सर जी? इसमें वाइफ और मेरी, हम दोनों की हेल्प होती है, बिना वाइफ के मैं कुछ भी नहीं हूँ सर जी। अच्छा, वाइफ पूरी मदद करती है, पूरा जितना भी काम होता है हम दोनों मिलके करते हैं। अच्छा, हम दोनों का ही साथ है, वाइफ का ज्यादा साथ है सर जी मेरा। अच्छा, जी सर जी। आंटी जी कहाँ पर हैं? अभी घर पे हैं सर जी। ठीक है सर जी, सब फर्स्ट क्लास है, बढ़िया सर। और कौन बोले? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है सर जी। सारे वर्किंग हैं? बेटी की शादी कर दी है, बेटे अपना जॉब करते हैं सर। सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ जी सर जी। क्या बना रहे हैं? ये भल्ले बना रहे हैं सर जी, भल्ले पापड़ी मिक्स आते हैं। ये भल्ला है सर जी, देखिए साइज देखिए कितना बड़ा है, ये देखिए। और ये डाल रहे हैं, ये हमारा मसाला है सर, घर का बना हुआ मसाला है, और ये हमारी क्रीमी दही है। ये लाल चटनी आ गई जी सर, और ये हरी चटनी आ गई, अब पापड़ी आएगी सर जी। ये देखिए यार, ऊपर से पापड़ी जी सर, अब फिर दोबारा से यही, दोबारा से दही भी, दोबारा से बहुत ही कम ऐसी शॉप है, दुकान है या पट्टी वाले को डबल डबल, तो फिर मसाला आएगा सर जी काफी है, और अच्छी तरीके से कस्टमर को, इसे बहुत ही बेस्ट तरीका कस्टमर को सर्व करने का, ताकि कस्टमर भी खुश हो। सरदार जी सही बल्ले, पापड़ी वाले अंकल जी सही बल्ले, एक प्लेट हमने ऑर्डर करा है, हमारे सामने आते हुए। अब अंकल जी अब क्या बना रहे थे? पापड़ी बना रहे हैं जी सर। बनाइए ये हमारी पापड़ी है, पापड़ी है, और हमें कितनी पापड़ी डाल देते हैं एक प्लेट में? ये हिलते नहीं है सर जी, हिलते नहीं नो सर, प्लीज सर जी, बहुत दुकान वाले जी 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 नो सर, मेरी दही आ गई है जी जी, ये और ये घर की बनी लाल चटनी, खजूर की, खजूर भी है, गुड़ भी है, चीनी भी है, और दोबारा से बोली सर ये मसाला सर, और मसाला जी सर, ये सरदार जी के मशहूर दही बल्ले पापड़ी, और पापड़ी मसाला। दोस्तों मेरे साथ अंकल के फ्रेंड है और वो कस्टमर भी है, उन्हीं से पूछते हैं अंकल जी कैसे बनाए दही बल्ले? बहुत बढ़िया, वाह क्या दही बल्ले है। अच्छा, 2-2.5 साल पहले खाए थे, मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े हो गए, फिर उसके बाद जहां जहां इन्होंने लगाए
वहां जब भी पता लगता था वहां खड़े हैं तो वहीं जाके दही बल्ले खाते थे। तो आप कस्टमर क्या बोलना चाहेंगे जो यहाँ पर रहते हैं आसपास? ये इतने बढ़िया दही बल्ले हैं कि एक बार सेवा का मौका जरूर दे, और जब एक बार सेवा का मौका देंगे तो बार बार अपने आप ही खुद में खुद जो है खाने का मन करेगा, और खुद तो खाएंगे खाएंगे और परिवार के लिए, और साथ पैक करके वो भी लेके जाएंगे। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, कोई पेड फीडबैक नहीं है, ये जेन्युइन ऑन द स्पॉट फीडबैक है। अंकल की फ्रेंड जरूर है, बट ये काफी साल से टेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने उसी बेसिस पे जो खा रहे हैं, वो जो टेस्ट कर रहे हैं काफी सालों से, उसी के बेसिस पे ही अपना फीडबैक अंकल के दही बल्ले के लिए। हाँ देखिए दोस्तों, मेरे सामने सरदार जी के मशहूर दही बल्ले और पापड़ी, अभी जो मेरे हाथ में है वो है हाफ प्लेट है दही बल्ले की मेरे सामने है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा पास आइए, और देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत एक टेक्सचर है, लाल हरा और सफेद, पानी आ रहा है। फॉर यू सब्सक्राइबर, दोस्तों ईमानदारी से बोलना चाहूंगा कि 2.5 साल पहले जब मैंने अंकल जी के दही बल्ले टेस्ट करे थे, जो टेस्ट 2.5 साल पहले था वही टेस्ट आज भी है। खासियत क्या है? खासियत यह है, एक तो अंकल मेहनत से चीज बनाते हैं, अच्छे मटेरियल यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में पापड़ी है, उसका भी टेक्सचर बहुत बेहतरीन लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा पीस है पापड़ी का, दोस्तों पापड़ी का टेस्ट इतना बेहतरीन आ रहा है। सबसे पहले जो दही है, क्रीमी दही है, बहुत बेहतरीन टेस्ट आ रहा है, और जो घर में बनी खजूर की चटनी है उसका भी इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है, जो हरी चटनी बना रखी है घर में उसका भी बहुत बेहतरीन टेस्ट आ रहा है, और जो ऊपर से इन्होंने मसाला डाला है भल्ले में भी और पापड़ी में भी जो घर से बना हुआ है, काफी बेहतरीन टेस्ट आ रहा है, और खाने के बाद ऐसा लग रहा है कोई अच्छी चीज हमने खाई हो। प्लेट का पापड़ी का रेट है 30 रुपए। दोस्तों मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड इसलिए करूंगा कि हमारे दिल्ली में और हमारे आसपास काफी छोटे छोटे वेंडर्स हैं जो अपनी साइकिल पर रेड़ी पर, आपको बोलूंगा जो भी आय नगर में रहते हैं और आसपास और रहते हैं, आप यहां पर आइए, इनके दही बल्ले पापड़ी को टेस्ट करिए, इंजॉय करिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और वो अंकल की शॉप तक दुकान तक पहुंचे, दही बल्ले पापड़ी को टेस्ट करके इनको सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर योर टाइम।